हाय हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप लोग? लगता है अच्छे ही होंगे, इसीलिए वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स टाइप। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं अभी सडनली अंग्रेजी से हिंदी में कैसे आ गया। तो देखिए, हिंदी जो है हिंदुस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा लोग इसी पे ही बात करते हैं। और अंग्रेजी में बहुत सारे वीडियो छोड़ा मैंने, लेकिन उसका कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं आया, शायद वो पसंद नहीं आया, इसीलिए मैं हिंदी में फिर से आ गया। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या है इन्वेस्टमेंट मॉडल का, और कौन से फैक्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर अ प्रॉफिट यील्डिंग एसेट। इन्वेस्टमेंट मॉडल स्पेसिफाइज द मोड्स इन व्हिच फंड्स आर इन्वेस्टेड इन स्पेसिफिक एसेट्स थ्रू व्हिच इनकम इज जनरेटेड। ओके, अभी ये देखिए, मैं आपको बताऊं ये वाला पॉइंट, ये है इसका डेफिनेशन। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है कि आप किसी पे पैसा डाल रहे हो, उस पैसा डालने से उसका कुछ प्रोसेस होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है, या फिर कुछ सर्विसेज में आप पैसा डाल रहे हो, उससे आपको कुछ एक हायर प्रॉफिट गेनिंग एसेट चाहिए। जैसे कि आप पैसा डाल रहे हो, अब अगर आप 2 रुपए डाल रहे हो तो आपको 4 गुना चाहिए। ठीक है, आपको 4 रुपए चाहिए तभी जाके आप 2 रुपए किसी में इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है? मॉडल है कि जो प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर में आप डाल रहे हो, जैसे कि सेंसेक्स हो गया, शेयर मार्केट हो गया, आप उसमें पैसा डाल रहे हो, या फिर आप किसी बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, या फिर आप एक घर में पैसा डाल रहे हो, प्लॉट बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, कि अगर आप 10 लाख रुपए खर्चा किए एक प्लॉट बिजनेस में, उससे आपको वापसी कितना मिलेगा, उसको आप 20 लाख में या फिर 30 लाख में बेचोगे। तो वो जो प्रॉफिट गेनिंग करने के लिए आप किसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपने कैपिटल किसी में इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, तो उसी को ही किया जाता है इन्वेस्टमेंट। और जो प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर के तहत आप उसमें पैसा डाल रहे हो, उसको इन्वेस्टमेंट मॉडल्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या है, अभी ये इन्वेस्टमेंट को कौन से फैक्टर जो है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है सेविंग्स रेट। अभी सारे का सारा पैसा अगर सेविंग्स में चला गया बैंक का, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए आपके जो करंट अकाउंट में। ठीक है, तो सेविंग्स रेट पहले देखना पड़ेगा कि कितना सेविंग्स किया जा रहा है, और लोगों के पास पैसा है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी होना चाहिए। आप अगर शेयर मार्केट में बोलेंगे किसी बीपीएल अंतर्गत या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आने वाले आदमी को कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, तो वो कहाँ से लगा पाएगा? वो नहीं लगा पाएगा। इसीलिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि सेविंग्स रेट क्या है। दूसरा है कि टैक्स रेट इन कंट्री। टैक्स रेट क्या है? नेट इनकम अवेलेबल आफ्टर टैक्स। ठीक है, आप टैक्स देने के बाद आपके पास कितना पैसा बचता है? ठीक है, अभी कंट्री में हर एक परसेंट बहुत, मतलब अभी इंडिया में क्या है कि हर एक आदमी सेम पैसा नहीं कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई थोड़ा कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो अभी उसको देखना पड़ेगा कि टैक्स दे दिए आप, अपना जो जीएसटी भर दिए, आप अपने इनकम टैक्स दे दिए, सारा का सारा देने के बाद आपके पास पैसा कितना बचता है? आपके पास अगर हैंड टू माउथ वाला पैसा है, जितना से आप अपने घर को चला सकते हो उतना ही पैसा है, तो आप कर ही नहीं सकते हो इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो वो पहले देखना पड़ेगा कि टैक्स रेट क्या है। देन आपका तीसरा पॉइंट जो है, सॉरी, तीसरा पॉइंट जो है इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब आपका कितना बढ़ रहा है, मतलब इन द सेंस आपके गुड्स एंड सर्विसेज का जो रेट है वो कितना बढ़ रहा है। जैसे कि 2000, सन 2000 में आपका किसी चीज का अगर मूल्य 2 रुपए था, तो आज के डेट में उसका मूल्य 20 रुपए हो चुका है। तो इन्फ्लेशन वो बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन एक सही मायने में ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस भी बढ़ते जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि एक बैलेंस रहेगा। लेकिन इन्फ्लेशन अगर सडन राइज हो जाता है, जो डायनेमिक इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, अगर जैसे कि मान के चलिए टमाटर हो या फिर किसी भी हरी सब्जी का दाम कल सुबह आपको मिलेगा 1200 रुपए पर केजी,
तो दिस इज लाइक डायनामिक इन्फ्लेशन। आपको जितना टमाटर 60 70 80 तक सही जा रहा है, 100 तक सही जा रहा है, 100 ऐसे, जैसे कि अभी पेट्रोल भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है जैसे कि 100 120 तक जा रहा है। लेकिन सडन अगर आपको बोल दिया जाए कि आज से पेट्रोल पर लीटर है 1200 रुपये, तो ये हो गया डायनामिक इन्फ्लेशन। अगर उस दौरान आपको देखना पड़ेगा कि कंट्री का इन्फ्लेशन कैसा है, जैसे कि एक वेनेजुएला करके कंट्री है, उसने क्या किया कि नोट छाप के गरीबी दूर करने की कोशिश किया, ठीक है। तो अभी नोट उसने छाप लिया, उसने अपना सेंट्रल बैंक को बोला कि बहुत सारा नोट छापो, सबको गद्दा भर भर के, बोरिया भर भर के पैसा दे दो। तो उससे क्या हुआ कि हमारे देश में गरीबी रहेगा ही नहीं। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस वो भी बढ़ गया। अभी 2 लाख रुपए का ब्रेड मिल रहा है, ऐसे ऐसे करके हर एक चीज का प्राइस बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन को भी देखना पड़ेगा, उसको कंट्रोल में है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन अगर थोड़ा बढ़ रहा है तो सही है, अगर डायनेमिकली बढ़ रहा है तो बहुत गलत है, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि आपका लोगों का इनकम ना बढ़ रहा है, ना आपका गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ रहा है, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट हम लोग देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बैंक्स। अभी देखिए, अगर बैंक्स आपको सेविंग्स में या फिर आपके फिक्स डिपॉजिट में 20 20% का इंटरेस्ट देने लगेगा, तो आप किसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। बैंक आपको 5 या 6% का इंटरेस्ट रेट देता है, इसीलिए आपको कहते हो नहीं यार इतना में तो मेरे को नहीं होगा, मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं जाके शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा, क्योंकि उससे मेरे को 20 या 30 गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। अगर बैंक ही दे दिया तो मैं बोलूंगा यार मेरे को बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, मैं क्यों बेकार में जाके रिस्क लूंगा, क्यों मैं बेकार में जाके शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस समय आराम से बैठ जाऊंगा। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। बैंक जितना दे रहा है उससे ज्यादा ही आपको देने का वादा करना पड़ेगा, या फिर उससे ज्यादा देने का एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे कि शेयर मार्केट में ऐसा नहीं कि हर कोई डूब जाता है, बहुत सारे लोग पैसा लगा के करोड़पति बन जाते हैं, ठीक है। तो वो जो करोड़पति बन जाते हैं, उनको देख के ही एक मोटिवेशन क्रिएट होता है आम आदमी के मन में कि मैं भी करोड़पति बन सकता हूं। हालांकि चांस 50-50 है, लेकिन रिस्क है तो इसक है, इसीलिए हर कोई लेना चाहता है रिस्क, ठीक है। अभी और एक पॉइंट है, पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। अभी कैपिटल पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, अभी किसी में आप पैसा डाल रहे हो, जैसे कि हर एक चीज में इन्वेस्टमेंट करने से आपको रिटर्न मिलेगा गारंटी नहीं है। दूसरे जगह भी है, कैपिटल आप किसी को दे रहे हो पैसा, ठीक है, आप किसी को पैसा दे रहे हो तो वो भी आपको कुछ इंटरेस्ट देगा, तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। आप मान के चलिए बैंक से अगर किसी को 12 13% से आ रहा है, आप कुछ कम में दोगे तभी तो वो आपसे लेगा। या फिर अगर किसी को बहुत ज्यादा ही जरूरत है तो बैंक अगर आपको 9% में दे रहा है तो आपको जो 10 या 12% में दोगे। आप अगर बोलोगे उसको कि मैं 30% में दूंगा, तेरे को 30% ब्याज देना पड़ेगा, तो वो क्यों आएगा आपके पास? वो बोलेगा नहीं भाई रहने दे, मैं बैंक से ही ले लूंगा, बैंक एक एटलीस्ट कुछ टाइम तो देता है, तो वो नहीं आएगा। तो वो सब भी देखना पड़ेगा, पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, ठीक है, आपका कितना मिल सकता है। आप अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें कितना मिल सकता है? अभी आप डाले हो पैसा तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अगर 5 रुपए डालूंगा तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको 10 रुपए के जगह 9 रुपए मिलेगा तब भी आप खुशी हो, क्योंकि आपको 4 रुपए प्रॉफिट है। अगर आप 5 रुपए डाले और आपको 2 रुपए मिला, तो उसमें क्या है, आपका पैसा डूब गया, आपका 3 रुपए डूब गया, तो उस क्षेत्र में आपको लॉस होगा। तो ऐसा जगह जो कहते हैं ना कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, ठीक है, रिस्क है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा कि कितना रिस्क है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसे डायनेमिक या फिर ऐसे हाइपोथेटिकल रिस्क लेके आप सिर्फ डूब ही जाओगे और उसमें पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा आपके कैपिटल पर, ठीक है। अभी और एक पॉइंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि चीप लैंड है, लेबर है, एटसेट्रा, एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन। आप एक घर बना रहे हो,
ठीक है, एक घर बना रहे हो या फिर आप मान के चलो एक बिजनेस बना रहे हो जो कि एक शॉपिंग मॉल है। शॉपिंग मॉल अगर आप एक मोबाइल लोकेशन में डाल दिए जिसमें कि कोई नहीं है, आसपास में लोग नहीं है, एकदम सन्नाटा, एकदम मान के चले एकदम जंगल है, ठीक है, जहाँ पे कि सिर्फ जानवर ही दिखते हैं, तो वहीं पे शॉपिंग मॉल में खरीदने कौन आएगा? खरीदने आएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जो लैंड मिलेगा वो चीप लैंड मिल जाएगा आपको, क्योंकि अगर कोई नहीं है तो उसका क्या होगा कि चीप लैंड मिल जाएगा, लेकिन लेबर कहाँ से लाओगे? लेबर कॉस्ट आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको दूसरे जगह से लेबर लाके वहीं पे काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ये तो पॉइंटर मुझे दिखता नहीं है इसका, ठीक है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये तीन कहां से आएगा? ये नहीं आएगा। इसीलिए जहां पे आपको ये सारा का सारा फैक्टर मिलता हो वहीं पे ही आपको जाके कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि चीप लैंड भी होना चाहिए, चीप लेबर भी मिलना चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी में से आपको अगर पावर की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, तो आप वहीं पे कैसे काम करोगे? आप वहीं पे कैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करोगे? आपको वो इलेक्ट्रिसिटी लाने में ही ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा आपका, जो एक पर्टिकुलर बजट होगा। कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, लोगों का आना जाना रहना चाहिए, अगर लोग ही नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस तो एकदम टाइम टाइम फिश हो जाएगा। तो वैसे ही करके आपको सारा का सारा चीज देखना है। देन मार्केट साइज एंड स्टेबिलिटी, देखिए आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो उसमें आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि आपका मार्केट साइज एंड स्टेबिलिटी क्या है। जैसे कि मार्केट साइज एंड स्टेबिलिटी में सबसे पहले आपको आपके कंपटीटर्स देखना पड़ेगा कि आप जहां पे दौड़ रहे हो, जिस मैदान में, जिस रेस में आप दौड़ रहे हो, उसमें आपके कंपटीटर्स कौन कौन है, कौन कौन आपके साथ दौड़ रहे हैं, उनका क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, उनका क्या क्या वीकनेस है, आपके मार्केट में आपका किस किस के साथ पाला पड़ेगा, आपको किसके साथ भिड़ना पड़ेगा, आपको किसके साथ कंपीट करना पड़ेगा, मार्केट का स्टेबिलिटी क्या है। अगर पांच कंपटीटर है तो क्या ये पॉसिबल है कि वो पांचों के पांचों प्रॉफिट में रहेंगे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो? तो वो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप किसी में इन्वेस्टमेंट कर दो और कल सुबह आपको पता चले कि ये तो मैं ऐसे जोश जोश में आके इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन यार मेरे को लॉस ही दे रहा है, ये मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रहा है। तो उसमें आपका पैसा भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा, आपका एनर्जी भी जाएगा। तो उससे बेहतर है आप सबसे पहले मार्केट के साइज एंड स्टेबिलिटी को समझें। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। देन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए सबसे पहले जो टाइप्स है, मैंने इसमें जैसे सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि पब्लिक, ये देखिए पब्लिक है, ये पार्टनरशिप है, पब्लिक है, प्राइवेट है, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। पार्टनरशिप में पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों आते हैं, ठीक है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या है? जैसे कि पब्लिक लिमिटेड एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे कि हम लोगों के है, क्या है आपका, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, ठीक है, आपके जितने भी बहुत सारे जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑफिसेस हो गया, हालांकि आजकल वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो गया, जैसे कि उड़ीसा का मॉडल जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में टाटा पावर ने ले लिया उसको। तो वो सारे के सारे चीज से वो क्या रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं वो गवर्नमेंट को जाता है। जैसे कि एयर इंडिया जो था, एयर इंडिया जो एयरपोर्ट था, सॉरी ये जो एयरप्लेन का जो सर्विस था वो अब गवर्नमेंट का था, एयर इंडिया, ठीक है, वो पहले टाटा ने था, जमशेद टाटा का था, लेकिन उससे गवर्नमेंट ने ले लिया था, देन अभी अगेन टाटा को वो चला गया, अगेन टाटा ने उसको खरीद लिया है। तो वो अभी था पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो जाता था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उस पैसे को लेके कोई दूसरे बजट में डाल दिया या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर काम में लगा दिया या फिर किसी रोड के बिल्डिंग में लगा दिया, तो ये सारा का सारा चीज में वो अपना पैसा रेवेन्यू जनरेट करके लगाया। तो उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। गवर्नमेंट अपना पैसा पब्लिक से लिया, देन पब्लिक को एक और फैसिलिटी दिया, देन पब्लिक से अगेन, जैसे कि अभी टोल नाका हो गया, टोल नाका में आपने जो पैसा दे रहे हो वो पैसा जो
रिकवर होता है वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट जो हुआ है उसको रिकवरी करने के लिए, ठीक है। तो इसमें वही वाला चीज उसने मेंशन किया है कि इन्हें पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है, इन्हें पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक गुड्स सर्विसेज इज मेड बाय गवर्नमेंट थ्रू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, थ्रू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ पब्लिक सेक्टर बाय यूजिंग द रेवेन्यू अर्न थ्रू इट। ओके, पब्लिक सेक्टर बहुत सारे हैं, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर से, ठीक है। तो ये सबसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम से या फिर इन्वेस्टमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से या फिर पब्लिक सेक्टर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से, जो कुछ भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल के दौरान, वो रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अभी आ जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में ये देखिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल जैसे पब्लिक हो गया वो गवर्नमेंट का हो गया या फिर पब्लिक सेक्टर का हो गया, प्राइवेट हो गया तो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, प्रोप्राइटरशिप, सॉरी, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो होता है या फिर कोई सिंगल ओनर अगर होता है तो उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आज देखिए, अभी जैसे कि इसमें मेंशन है, आज इज द केस विद इंडिया, देर आर टाइम्स व्हेन द अर्निंग्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इज नॉट एनफ टू मेक फॉर द सर्टेन शॉर्टफॉल्स दैट मे कम अबाउट। दस द गवर्नमेंट इनवाइट्स द प्राइवेट प्लेयर्स टू इन्वेस्ट इन सम ऑफ इट्स वेंचर्स। द इन्वेस्टमेंट कैन बी डोमेस्टिक और फॉरेन इन नेचर। ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी कैन इंप्रूव द करेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द प्रोसेस। दिस मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट। ओके, सो अभी होता क्या है कि बहुत सारे मॉडल्स होता है, बहुत सारे स्कीम्स होता है जिसमें कि गवर्नमेंट अपना पैसा लगाने के लिए, गवर्नमेंट के पास एनफ मनी नहीं होता कि वो अपना पैसा लगा सके, तो गवर्नमेंट क्या करता है उसके लिए टेंडर निकालता है, बोलता है कि यार आओ तुम लोग बनाओ, ठीक है, उससे फिर जो रेवेन्यू जनरेट होता है ले जाओ, फिर 10-5 साल के लिए जो कुछ भी रेवेन्यू होता है तुम लोग, उसके बाद वो हमें हैंड ओवर कर देना। तो अभी जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं, अफगानिस्तान में इंडिया ने बनाया था एक ब्रिज, सॉरी ब्रिज बोल रहा हूँ मैं, एक बनाया था डैम बनाया था, जिसको कि ये जो तालिबान के गवर्नमेंट है बोलता है कि मैं तोड़ दूंगा, ठीक है। तो अभी उसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया था वो अफगानिस्तान में, ठीक है, तो उससे जो कुछ भी जनरेट होता है रेवेन्यू वो इंडिया को वापस आता है, ठीक है, तो वो एक कैश हो गया। या फिर बहुत सारे चीजों में देखेंगे आप, हाईवे जो बनता है, नेशनल हाईवे, उसमें आप देखेंगे कि ज्यादा टोल नाका जो आता है वो कोई कोई गवर्नमेंट का होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो क्या कहता है, गवर्नमेंट क्या कहता है कि प्राइवेट सेक्टर से आप आ गए हो, आप रोड बनाओ, आपका रोड बनाने में जो खर्चा हुआ है और जो आप प्रॉफिट मार्क किए हो जो टेंडर में डाले हो आप लोग, ये 10 साल तक या फिर 5 साल तक या फिर 15 साल तक आपको जितना भी साल लगे आपके प्रॉफिट समेत टोल नाका वसूली करके लोगों से, पब्लिक से आप वापस ले जाओ, ठीक है, उसके बाद वो हमें हैंड ओवर कर दो, उसको फ्री कर दो, समझ में आ गया। तो ये वही वाला है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को वापस लिया जा रहा है, मतलब बुलाया जा रहा है टेंडर दे के कि आप लोग आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए, उससे प्रॉफिट लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, फिर जाके उसको हैंड ओवर कर दीजिए। अभी सेम टू सेम ये हुआ कि ओडिशा में मैं जो बोल रहा था कि टाटा पावर को दे दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो साउथ को था ना, हाँ जो कुछ भी था उसका, वेस्को था, देन ऐसे करके था, तो उसको भी टाटा पावर ने ले लिया है, टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ने, और टाटा पावर उससे सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाल रहा है, वो उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी ओडिशा गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को संभाल सके, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में सबसे पहले क्या होता है कि इन लोगों के लॉस बहुत होता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी ना लेके वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे जो होता है ना कि ये चोरी करके इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है, चोरी करके इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी लॉस बहुत होता है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं जो पावरफुल लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं, एंड व्हेन दे आर आस्किंग फॉर मनी ये लोग अपना पावर दिखाने लगते हैं कि यार मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हें कैसे दूंगा, तुम लोग हिम्मत कैसे हुआ मुझे मांगने के लिए। तो ये सब के चक्कर में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो वो लग जाता है, ऊपर लुल हो जाता है,
तो उस क्षेत्र में गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई तुम प्राइवेट सेक्टर वाले संभालो। प्राइवेट सेक्टर वाले क्या होता है कि थोड़े सख्त होता है, थोड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं, अपने काम को लेकर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट में ले आप सोच के। बट अभी कितना दूर वो सक्सेस होता है वो तो आगे चल कर ही हम लोग जान पाएंगे। अभी चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो अभी तीसरा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैंने जो बोला था पब्लिक प्राइवेट, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों आएंगे, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग किधर गया, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी, 3P, ओके। और P3 इज अ कोऑपरेटिव अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स टिपिकली ऑफ ए लॉन्ग टर्म नेचर। द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया हैव बीन प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन पीपीपी मॉडल। हेल्थ सेक्टर, ओके, हेल्थ सेक्टर, पावर सेक्टर, रेलवेज, अर्बन हाउसिंग, ठीक है। तो पावर सेक्टर का मैंने आपको जो बोल दिया कि टाटा पावर ने ले लिया ओडिशा का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में अभी आई थिंक इसका कुछ ज्यादा तो मेरे नजर में अभी नहीं आ रहा है हेल्थ सेक्टर का, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। बट इसका प्राइवेट्स में अगर आप देखेंगे अपोलो है, ठीक है। एम एम्स देखिए, एम्स तो आपका गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, ठीक है। रेलवेज में अभी एक भारत गौरव स्कीम करके आया है जो कि पिलग्रिम्स के लिए ज्यादातर तकरीबन 150 से लेकर 180 ट्रेन उसमें इंट्रोड्यूस करने जाने वाले। तो उसमें जो अरेंजमेंट होगा, जो बुकिंग होगा, वो गवर्नमेंट बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर्स भी कर सकते हैं। तो वो एक मॉडल हो सकता है, उसके दौरान मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप अगर चाहते हो तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। देन अर्बन हाउसिंग इज नथिंग बट प्लॉटिंग। आप प्लॉट बिजनेस अगर करते हो ना, 2 BHK 3 BHK, अगर आप बड़े बड़े टाउन में खरीदना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और प्राइवेट का भी शेयर होता है, ठीक है। जैसे कि कल्पत्रु लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, कल्पत्रु है, जन KEC भी है, बहुत सारे ऐसे लिमिटेड कंपनीज है जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलके प्लॉट बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लॉट बिजनेस से क्या होता है कि वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों पैसा उसमें डालते हैं, या फिर मान सकते हो आप गवर्नमेंट जो स्पेस होता है, जो लैंड होता है, गवर्नमेंट उसको फ्री में दे देता है। देन इन लोगों से इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते हैं, देन इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के बाद उसको बेचना शुरू करते हैं वो लोग, ठीक है। प्लॉट बिजनेस को हाउसिंग, जैसे अर्बन हाउसिंग कहते हैं, तो उसको बेचने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसके हिसाब से वो लोग शेयरिंग करते हैं, ठीक है। नाउ एडिशनल इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, देर आर एडिशनल इन्वेस्टमेंट मॉडल्स एज वेल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ओके, कैन बी पब्लिक और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट आप अपना डोमेस्टिक का कुछ, जैसे कि मान के चलिए आप अपना कुछ एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है। आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो अपने ही देश में, ठीक है, जिससे कि आप चाहते हो कि आपका कुछ आउटपुट आए, ठीक है। मान के चले आप एक छोटा सा दुकान किए हो अपने गांव में या फिर अपने शहर में, उस दुकान में आप कुछ पैसा लगाए हो, उस पैसा लगाने के बाद आपको एक रहता है कि मान के चलिए आप 2 लाख लगाए, 3 लाख लगाए, आपको लगता है कि पब्लिक आएंगे, मेरा ये होलसेल दुकान में से कुछ कुछ अपने डेली यूज सामान खरीदेंगे, या फिर कुछ भी हो जिस चीज का आपने दुकान किया है, उससे मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे रिकवर होगा, देन उसके बाद मुझे प्रॉफिट होने लगेगा। तो दिस इज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इट कैन बी पब्लिक और प्राइवेट पब्लिक, ओके। तो व्हेन व्हेन इट कैन बी पब्लिक और प्राइवेट पब्लिक, व्हेन इट विल बी पब्लिक प्राइवेट। सो अभी जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मैंने बोल दिया ना, टाटा पावर और गवर्नमेंट मिलकर उसको चला रहे हैं, उसको जो रेवेन्यू आ रहा है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होके जो पेमेंट्स आ रहा है उसका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। अभी टाटा पावर ने भी बहुत सारे काम किया है, जैसे कि ओडिशा में बहुत सारे बाढ़ वगैरह आता है, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो खंभा होता है वो टूट जाता है, ठीक है। तो उसको रिपेयर करने में बहुत सारा पैसा खर्चा है, उसके लिए अलग से टेंडर निकालना पड़ता है, तो उसको रिकवर करने के लिए वो पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट और एज वेल एज वो प्राइवेट दोनों मिलकर लगाएंगे। देन उससे क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल से वो सबको आप रिकवर करके
देन उससे प्रॉफिट गेन करने के लिए कोशिश होता है। ये होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, या फिर आप कुछ डैम बना दिए, या फिर आप कुछ विंड वैन जिसमें कि विंड एनर्जी निकालने के लिए आप वो जो पंखा वंखा लगाती है, या फिर ये तो एनर्जी सेक्टर का हो गया, या फिर एक हॉस्पिटल बना दिए, पब्लिक हॉस्पिटल जिसमें कि आप गवर्नमेंट ही बनाता है, वो पब्लिक हॉस्पिटल बनाएगा, उसमें आके लोग अपना कुछ रजिस्ट्रेशन फीस, छोटा सा रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हैं 10-20 रुपए का, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पब्लिक डॉक्टर्स देखते हैं। ये सबसे जो इन्वेस्टमेंट होता है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी हो गया, तो बहुत सारे के सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हो जाएंगे। देन ये हो गया आपका, किधर गया बेटा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ओके, इट कैन बी मेजोरिटी फॉरेन और फॉरेन डोमेस्टिक मैक्स। ओके, तो अभी इंडिया के पास पैसा नहीं है, इंडिया चाहता है कि एक बहुत बड़ा कंपनी बनाना चाहता है, जैसे कि अभी आप टेस्ला का ही नाम ले लो, इलन मस्क बहुत फेमस आदमी है, वो क्या चाहते हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़े कंपनी बनाने के लिए, जैसे कि अपने स्पेसएक्स, स्पेसएक्स छोड़ दीजिए, अपने टेस्ला का है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला कंपनी डालना चाहते हैं। तो वो हो गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई तो नहीं होगा, वो होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो लोग आके इंडिया में पैसा लगा, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है, 140 करोड़ है, तो उस पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए वो लोग एक पैसा डाल रहे हैं, तो ताकि उनका वो पैसा वापस आ सके, उनका वो पैसा वापस रिटर्न आ सके। ये फॉरेन हो गया, अभी फॉरेन डोमेस्टिक मिक्स हो सकता है, वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, या फिर टेस्ला आएगा बोले टाटा टाटा तुम इधर आओ, हम तुम मिलके एक बनाएंगे नई दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और जो प्रॉफिट आएगा उससे लोग जो खरीदेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोटर व्हीकल, उससे हम लोग इक्वल शेयरिंग कर लेंगे, या फिर एक 70-30% का शेयरिंग कर लेंगे। तो वो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट मॉडल। देन हो गया आपका सेक्टर स्पेसिफिक मॉडल्स, सॉरी सेक्टर स्पेसिफिक मॉडल्स क्या हो गया, वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और अदर एलाइड सेक्टर्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर नॉट इन इंडिया, लेट मी टेल यू। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जैसे कि रिलायंस का जो जामनगर रिफाइनरी है, आप लोगों में से बहुत लोग देखे होंगे, उसमें एक एसईजेड जोन है। एसईजेड क्या होता है कि यहाँ के रूल्स तरीके सारे के सारे अलग होते हैं, जो कि बाहर के इकोनॉमिक रूल्स एंड लॉस है। अभी इंडिया का जो इकोनॉमिक रूल्स एंड लॉस है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लागू नहीं होगा। अंबानी भाई बोलेगा कि नहीं भाई, मेरा जो एसईजेड का है उसमें तुम इंडिया का इकोनॉमिक का लॉस नहीं लगा सकते हो, मेरे को लिबर्टी चाहिए, मेरे को चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली ट्रेडिंग होता है, ये बेसिकली आपका जो होता है कि फॉरेन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाया जाता है। इन लोगों को टैक्स कम देना पड़ता है, इन लोगों का बहुत कुछ लिबर्टी रहता है, बहुत कुछ फायदा होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, लेकिन इसको ये कहा जाता है कि बेसिकली ये बॉर्डर एरिया पे बनाया जाता है, और ताकि ट्रेडिंग अच्छे से हो सके, ठीक है। तो उस पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो है स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ठीक है। देन क्लस्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्जांपल। क्लस्टर इन्वेस्टमेंट मतलब मैन्युफैक्चरिंग, अभी कोरोना आया इंडिया में मास्क की कंपनी नहीं थी, तो मास्क मिल रहा था कुछ 200-200, 300-300, 400-400 रुपए में मास्क मिल रहा था। इंडिया के लोग जुगाड़ हुए, इंडिया के लोग बोले कि यार मास्क साला 200-400 रुपये लेकर कौन खरीदेगा, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग खुद का मास्क मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इंडिया धीरे धीरे मास्क मैन्युफैक्चर किया, और 2020 के एंड तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मास्क मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। इंडिया में बहुत सारे मास्क प्रोड्यूस होने लगे, इनफैक्ट आज भी अगर आप देखोगे पहले जितना, ये आपका कोरोना जब नया नया आया था तो आपका सैनिटाइजर और मास्क जितना महंगा मिल रहा था, तो कंपेयरिंग टू दैट टाइम आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ सस्ता हो गया है, ठीक है। तो यही होता है इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विच इज क्लस्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल। ओके, देन इंडियन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या क्या है, इंडिया में क्या क्या इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है भाई। तो पहला है हैरोड डोमे मॉडल, दिस मॉडल इज, ये पॉइंटर किधर रह जाता है यार, दिस मॉडल इज मोर ऑफ वन सेक्टर मॉडल वेयर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द पॉलिसीज दैट विल इंक्रीज सेविंग
एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस। ठीक है, तो हैरोडोमा मॉडल क्या कहता है कि आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट किस पे रहेगा, सॉरी, वो डिपेंडेंट रहेगा सेविंग्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस में होगा कि लोगों का सेविंग्स बढ़ेगा, गवर्नमेंट का सेविंग्स बढ़ेगा और टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो जाएगा। हैरोडोमर मॉडल ये कहता है आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, देन सोलो स्वान मॉडल क्या कहता है? सोलो स्वान मॉडल कहता है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हैरोडोमर मॉडल दैट लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें क्या था, सेविंग्स का ग्रोथ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होना चाहिए, इसमें क्या है सोलो स्वान मॉडल में प्रोडक्टिव का ग्रोथ भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें तीनों होना चाहिए, सेविंग्स, टेक्नोलॉजिकल, प्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है, उसमें क्या था, हैरोडोमर में क्या था, सेविंग्स एंड टेक्नोलॉजिकल था, सोलो स्वान में तीनों है, सेविंग्स, टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोडक्टिव ग्रोथ। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा आप नया नया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करोगे, या फिर आपका जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हम लोग आया था फार्मर्स में, तो वो बहुत बड़ा हम लोगों का प्रोडक्शन में ग्रोथ लाया था। तो ऐसे ही बहुत सारे जो मॉडल्स लाते हैं जिसमें कि हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ता है, जो कि हम लोगों का क्या कहते हैं कि डिपेंडेंसी दूसरों से कम करता है और हम लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट करता है, सेल्फ रिलायंट करता है। तो वैसे मॉडल्स होता है सोलो स्वान मॉडल, देन फेल्डमैन महलानोबिस मॉडल। ओके, फेल्डमैन महलानोबिस मॉडल ये हो गया आपका, दिस मॉडल फोकसेस ऑन इंप्रूविंग डोमेस्टिक कंजप्शन कंजप्शन ऑफ गुड्स सेक्टर वेयर देयर इज ए हाई एनफ कैपेसिटी इन द कैपिटल सेक्टर गुड्स। इट इज लेटर इवॉल्व इनटू ए फोर सेक्टर मॉडल और नोन एज नेहरू महलानोबिस मॉडल। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका ये, इसको आप मान के चल सकते हैं कि अपना खाना तो आप खाए नहीं पाए। ठीक है, अभी इसको थोड़ा मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ। जैसे कि घर में आपका है, बनाए हैं आज चावल, दाल और चिकन, घर में आने वाले हैं मेहमान, तो मम्मी आपको क्या बोलेगी? मम्मी बोलेगी कि बेटा तुम चिकन थोड़ा कम खाओ, ठीक है, दाल चावल तुम जितना खाना है खा लो, ठीक है, लेकिन चिकन वो मेहमान आने वाले हैं ना, उनके लिए रखना है, थोड़ा तुम कम खाया करो और दाल चावल तुम जमा के एकदम खा लो, पेट भर लो, बाकी हम लोग किसी और दिन लगे चिकन खाएंगे। तो ये वही है कि अपना कंजप्शन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कैपिटल सेक्टर गुड्स का भी इंक्रीज होना चाहिए। जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं आप लोग, उसका इंक्रीजमेंट होना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सको। और अपना जितना है, अपना मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, यहाँ पे पैसा भी नहीं, मुर्गी नहीं मिल रहा आपको, दाल ही मिल रहा है, तो वो खाने के बाद जो मुर्गी है वो बाहर बेचना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये वही वाला है नेहरू महलानोबिस मॉडल। अभी राव मनमोहन मॉडल ये देखिए नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा है, जिसको कि हम लोग ओपन इकोनॉमिक कहते हैं, जिसमें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ये लोग वेलकम कर रहे हैं। लिव्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय अनलिमिटेड लेबर सप्लाई। ओके, सो ये बेसिकली क्या रहता है कि ओपन इकोनॉमी कर देने से आपका इंडिया का जो लोग है वो बाहर जाके काम कर सकते हैं, बाहर का जो लोग है वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करके वो पैसा कमा के जा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट राव मनमोहन मॉडल इज, ओपन इकोनॉमिक। ठीक है, इंडिया में क्या है, ये चीप लेवल मिलता है, इंडिया के लोग जाके आप मिडिल ईस्ट में देखोगे जगह जगह काम कर रहे हैं, यूएसए में काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, दुनिया के हर जगह कोने कोने में इंडियंस अभी भर गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वो लोग जो पैसा कमाते हैं वो लाके इंडिया में वापस भेज देते हैं। ठीक है ना, अभी उनके फैमिली तो इंडिया में ही है, तो वो पैसा वापस भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्या लोचा है इसमें, जो जीडीपी एंड जीएनपी वाला कॉन्सेप्ट है ना, जीडीपी में आपका ये जो बाहर का कंपनी आके इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है, उसका जीडीपी में कैलकुलेशन होगा, लेकिन जीएनपी में क्या होगा कि इसका पैसा तो अल्टीमेटली वो अपने कंट्री को ही भेज रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना, और जो लोग बाहर कमा रहे, अपने लोग, इंडिया के लोग, वो लोग यहाँ पे भेज रहे हैं। तो नेट में जब हो जाएगा तो जीएनपी, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है,
वो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट उससे माइनस किया जाएगा और फॉरेन में जो अपने लोग हैं जो काम कर रहे हैं उसमें उसका प्लस किया जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग आज तक इंडिया का जो फॉरेन से इंडिया में पैसा आ रहा है वो कम है कंपेयरिंग टू जो फॉरेन वाले इंडिया में आके पैसा छाप के चले जाते हैं। मतलब फॉरेन वाले इंडिया में आके ज्यादा पैसा छाप रहे हैं और इंडिया वाले फॉरेन में जाके कम पैसा छाप रहे हैं। सिंपल सा फंडा है। एनीवेज दिस मॉडल इज ओपन इकोनॉमिक और इससे क्या हुआ कि एटलीस्ट कुछ लोगों को तो बहुत एटलीस्ट काम वाम मिला क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है तो बाहर जाके लोग काम कर रहे हैं। इंडिया में लोग आके नया नया मैन्युफैक्चरिंग हब बना के इंडिया को भी नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए एडवांस डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है तो दैट इज ओके। द फॉलोइंग और एक मॉडल है द फॉलोइंग मॉडल्स आर ऑल्सो यूज इन इंडिया तो लिवरेज इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ठीक है ये सबसे पहले सॉरी लिवरेज क्या है। लिवरेज इन्वेस्टमेंट मॉडल है कि आप एक संस्कृत में कहावत है ऋणम कृतम ज्ञेयम कृतम। ठीक है मतलब आप लोन लाइए। ठीक है लोन लाइए उस लोन को इन्वेस्टमेंट कीजिए एक काम पे। ठीक है देन उस काम से जो आउटपुट निकलेगा उस आउटपुट से आप अपने लोन के ईएमआई भी चुकाइए और अपने लिए प्रॉफिट भी रखिए। मतलब ये कुछ ऐसा है कि आप अपने दोस्त से पैसा मांगे बोले कि यार मेरे को तू 5 रुपए दे मैं तेरे को 5 दिन में लौटाऊंगा। ठीक है आप 5 रुपए उससे लेके आ गए। आप 5 रुपए का क्या किए कि मान के चले आप बिजनेस माइंडेड हो आप ऐसा कोई चॉकलेट खरीद के लेके आ गए। ठीक है जो कि आपके आसपास की दुकानों में नहीं मिलता है। ठीक है आप 1-1 रुपए के 5 चॉकलेट लेके आए आसपास के दुकान में नहीं मिल रहा है और आप दूसरे लोगों को लेके उसको बेचे बोले कि यार ये 1-1 चॉकलेट जो है ना ये 2-2 2.5 2.5 रुपए के तू ले ले मेरे से। तो लोग भी एक्साइटेड हुए दूसरे बच्चे भी एक्साइटेड हुए तो वो क्या बोले कि 2-2 रुपए लेके आपसे चॉकलेट लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि आपको 10 रुपए मिला 10 रुपए में से आप 5 रुपए उसको वापस दे दिए 5 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। तो दिस इज कॉल्ड लेवरेज इन्वेस्टमेंट मॉडल। सेविंग लेड ग्रोथ मॉडल इज आपका सेविंग्स जिसमें बढ़ेगा जैसे कि आप ऑलरेडी सेविंग्स किए हो। ठीक है आपके सेविंग्स से पैसा निकाले उससे कुछ बिजनेस किए। ठीक है और उससे जो प्रॉफिट आया आपका सारा का सारा जो स्टाफ्स का सैलरी आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो सारा का सारा देने के बाद आपका सेविंग्स बढ़ता है। ठीक है तो उसको सेविंग्स से आपका बढ़ते गया तो दैट इज कॉल्ड सेविंग लेड ग्रोथ मॉडल। अब ये डिमांड लेड ग्रोथ मॉडल क्या है। डिमांड लेड ग्रोथ मॉडल ये है कि मार्केट का डिमांड क्या है डिमांड के ऊपर आपको करना है। जैसे कि मार्केट का डिमांड था कोरोना के टाइम पे मास्क चाहिए लोगों को सस्ते में पैसे में तो आप मास्क की कंपनी खोल दी मास्क की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल दी मार्केट को मास्क दिए आप पैसा कमाए। दैट इज कॉल्ड डिमांड लेड ग्रोथ मॉडल। देन कंजप्शन लेड ग्रोथ मॉडल। कंजप्शन अभी ये जानना पड़ेगा आपको कि देखिए मार्केट में डिमांड है कि एक चीज का और लेकिन वो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सबको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा मतलब सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो आप कंजप्शन कितना हो रहा है उसका देखिएंगे तो आप उसके हिसाब से एक बनाएंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग या फिर अपना कुछ भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे जिससे कि कंजप्शन जो है आपके जो क्लाइंट्स के जो कंजप्शन है वो फुलफिल हो पाए। ठीक है तो उसको कहते हैं कंजप्शन लेड ग्रोथ मॉडल। सो दैट्स माई टाइम ऑल इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज के इस वीडियो को। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू एंड गुड डे।